हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिली पटेटो, तो आप ट्राई करिएगा। और सबकी रेसिपी अलग अलग होती है, हम अपनी रेसिपी आपके पास पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ट्राई करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी एक जैसा बनाए, हम अपने घर का खाना पहुँचा रहे हैं सबके पास। अगर कुछ गलती हो तो बताइएगा आप। तो सबसे पहले हम आलू ले लेंगे, मीडियम साइज़ का आलू, उसको छील के और लंबे स्लाइस में काट लेंगे कुछ ऐसे। इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, जैसे कि जब तक पानी साफ ना आ जाए। और इसमें हम एक चम्मच चावल का आटा और एक चम्मच मैदा, थोड़ा सा नमक डाल के चला लेंगे। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। दूसरी तरफ हम कढ़ाई गरम कर लिए हैं, उसमें तेल, कढ़ाई में तेल गरम कर लिए हैं। जब तक ये धुआं निकलने लगे तब इसमें हम आलू डाल देंगे। जब ये 70% तक पक जाए तो इसको हम निकाल लेंगे और फिर दोबारा तेल गरम होने देंगे और उसमें डालेंगे। जैसे हम यहाँ निकाल लिए और फिर दोबारा तेल गरम हो गया और इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद जब तक ये लाल ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करना है। यहाँ हमारा आलू फ्राई हो गया है, उसके बाद हम गैस को बंद करके ये निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हम कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, प्याज, मिर्चा, टमाटर, जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसमें हम सॉस डाल देंगे, यहाँ सोया सॉस डाल देंगे। यहाँ टमाटर सॉस, फिर थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे, लाइट विनेगर डालने के बाद हम इसको मिलाएंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इतना टेस्टी लगता है खाने में। जैसे थोड़ा सा एक आलू का, बड़े आलू का बना लेंगे तो एक आदमी का पेट अपने आप भर जाए। हम तो अपने लिए बना लेते हैं, यहाँ हम अपने लिए बनाए हैं। और फिर हम आलू डाल के और इसको भी 2 मिनट तक चलाएंगे ताकि अच्छे से मिल जाए इसमें सारे मसाले। और इसे एंजॉय करिए, बना के खाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।